हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सेमिनरी क्लासेस में। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को, जिसमें से इवोल्यूशन ऑफ ए गैस वो क्लियर हो गया था। सेकंड जो था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वो भी क्लियर था। तो आज हम लोग देखेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का, जो कि चेंज इन कलर है। जो कि क्या है? चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिनके कलर में ना चेंजिंग आता है, जिनके कलर में क्या होता है? चेंजिंग आता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसके कलर में क्या आता है? चेंजिंग आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम उस रिएक्शन को देखते हैं, लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या ले रहे हैं हम लोग? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट को जैसे हम ट्रीट कराते हैं, रिएक्ट करवाते हैं साइट्रिक एसिड के साथ, साइट्रिक एसिड के साथ। जैसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट को रिएक्ट करवाते हैं साइट्रिक एसिड के साथ, तो इसके कलर में चेंजिंग आता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर जो होता है ना, ओरिजिनल जो इसका कलर है वो पर्पल कलर है। कैसा कलर का होता है? पर्पल कलर। पर्पल पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा? पर्पल कलर। अब जैसे रिएक्ट करवाते हैं साइट्रिक एसिड के साथ, तो ये पर्पल कलर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर जो है ना वो क्या? पर्पल कलर है। जैसे हम रिएक्ट करवाते हैं साइट्रिक एसिड के साथ, तो ये पर्पल कलर जो है वो कन्वर्ट कर जाता है कलरलेस में। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, कलर में चेंजिंग आ रहा है। तो इसको जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एक मान लीजिए एक ट्यूब है, यहाँ पे ये क्या है? ट्यूब। अब इस ट्यूब के अंदर रखा गया पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन को, पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन को रखा गया, जो कि कलर कैसा? पर्पल कलर। अब इसमें साइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, तो साइट्रिक एसिड आता कहाँ? साइट्रिक एसिड मिलता है किसमें? तो लेमन के अंदर जो एसिड पाया था वो कौन सा एसिड होता? साइट्रिक एसिड। तो लेमन को कट करके जैसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट का ये सॉल्यूशन पड़ेगा, क्या ये सॉल्यूशन? अब जैसे कट करके इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको हम मिलाते हैं, तो इसमें रिएक्शन होगा। क्या होगा? इसमें रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होगा तो क्या होगा? इसमें कलर में चेंजिंग आएगा। वो कलर क्या होगा? पर्पल से वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कलर लेस। तो ये रिएक्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया कलर लेस का। तो अभी नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि हम ले रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइकर्मेट को, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर। ठीक है, अब जैसे इसको हम पास कराते हैं, जैसे इस सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन के अंदर हम पास कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड के डाइऑक्साइड गैस को जैसे हम पास कराते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइकर्मेट के सॉल्यूशन में, तो इसके कलर में भी चेंजिंग होगा। ये ऑरेंज कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में। कैसा कलर हो जाएगा कन्वर्ट में? ग्रीन में। ठीक है, जैसे हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइकर्मेट के सॉल्यूशन पे, कलर जो होगा उसका ऑरेंज होगा। अब जैसे पास कराएंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, जैसे हम पास कराते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो ये कलर जो ऑरेंज वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ग्रीन में। ठीक है, कन्वर्ट कैसे हो जाएगा? ग्रीन में। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया, वो चेंज इन कलर का हो गया। ये भी रिएक्शन जो है वो चेंज इन कलर का।